मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। आज 5 मार्च के दौरान एक ताजा पश्चिमी क्षोभ हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट वर्षा और बर्फबारी होने की भी संभावना है। 5 से 7 मार्च के दौरान बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो जाएगा। इसी समय 6-7 मार्च को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश की गतिविधियां अब पूर्वी भारत के कई राज्यों में देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR में कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी कई इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही पूर्वी भारत के हिस्सों में वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की है। झारखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 6 मार्च को कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में जसपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान राज्य में भी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, इसे गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। हालांकि इसी दौरान सुबह शाम सर्दी का एहसास भी हो सकता है। दिन के तापमान में ज्यादा इजाफा नहीं होगा। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।